अफ्रीका की खदानों में खुदाई करते समय गुलाम को एक पत्थर मिलता है। गुलाम ने जब उसकी मिट्टी साफ की तो पता चला कि ये तो बेशकीमती गुलाबी हीरा है जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। गुलाम सावधानी से चारों तरफ देखता है ताकि वो हीरे को छुपा सके, क्योंकि कुछ दिन पहले एक गुलाम को हीरा छिपाने पर गोली मार दी गई थी। इसलिए गुलाम डर रहा था, तभी अचानक पंप टूट जाता है, जिसका फायदा उठाकर गुलाम हीरे को पैरों की अंगुलियों में छुपा लेता है। गुलाम पेशाब करने का बहाना करते हुए झाड़ियों की तरफ चला जाता है। गुलाम जैसे ही हीरे को छुपाने वाला था तभी गार्ड बंदूक तानकर उससे हीरा मांगता है। इतने में सेना के हमले से बागी गार्ड बेहोश हो जाता है और गुलाम भागकर हीरे को जमीन में छुपा देता है। गुलाम आर्मी के हाथों इस उम्मीद में पकड़ा जाता है कि वो एक दिन इस हीरे को लेने दोबारा वापस आएगा। कुछ दिन पहले इस गुलाम के गांव पर बागियों ने हमला करके लोगों को मार दिया था, जिसमें इसके बेटे को बागियों ने कैद कर लिया था और बाकी फैमिली बिछड़ गई थी। अगर इस गुलाम को दोबारा अपनी पूरी फैमिली वापस चाहिए तो इसे किसी भी हाल में ये हीरा लेने वापस आना ही पड़ेगा।